नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा मार्शल आर्ट सीखने के कौन कौन से फ़ायदे हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त फ़ायदे हैं, इस बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, रेड कलर का बटन है उसे दबा के आप सब्सक्राइब करें, बाजू में एक बैल है उसे भी दबाएँ ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इसका लाभ उठा सकें। मार्शल आर्ट स्वस्थ रहने एवं आत्मरक्षा के लिए बेहतरीन माध्यम है। लोग मार्शल आर्ट अलग अलग कारणों से सीखते हैं। कई लोग इसे एक खेल के रूप में सीखते हैं तो कुछ इसे व्यायाम के तौर पर, लेकिन इसे लड़कियों के लिए सीखने का अहम कारण होता है। आए दिन मनचलों की छेड़खानी से जो है मूड तोड़ जवाब देने के लिए बेहतरीन है ये। आज के समय पर जितने लड़कियों को लेकर घटनाएं हो रही है, इससे लड़कियां बाहर निकलने से पहले 10 बार सोचती हैं और इससे माता पिता को भी अपने बच्चों की फिक्र लगी रहती है। तो मार्शल आर्ट लड़कियों को सिखाना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं आपको बताता हूँ इसके कौन कौन से फ़ायदे हैं। जी हाँ दोस्तों, मार्शल आर्ट सीखने के क्या फ़ायदे हैं वो बताता हूँ। पहला फ़ायदा, मार्शल आर्ट से आत्मरक्षा के साथ साथ मानसिक विकास भी होता है। जी हाँ दोस्तों, मानसिक विकास होता है मार्शल आर्ट सीखने से। शरीर की ग्रोथ भी होती है, ये दूसरा फायदा है। तीसरा फायदा, मार्शल आर्ट से शरीर की चर्बी और वज़न कम करने के लिए किया जाता है। अगर आपके शरीर और चर्बी ज़्यादा है, शरीर में चर्बी ज़्यादा है तो आप इसको करें, इससे आपका जो वज़न कम होगा। ये हेल्दी लड़कियों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि जो है अगर हेल्दी है तो उसके लिए फ़ायदा नहीं होगा, उसके लिए फ़ायदा है। चौथा है, खाने के डाइजेशन को संतुलन रखने के लिए भी मार्शल आर्ट सही है। तो आपका जो पाचन तंत्र है वो सही रहेगा, डाइजेशन सही रहेगी अगर आप इसको करते हैं तो। पांचवा फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ, मार्शल आर्ट कई प्रकार के होते हैं जिन्हें आप आसानी से कर सकते हैं। कलारी पयाटू मार्शल आर्ट, क्राउ मांगा, कुंग फू इत्यादि, इनमें से शरीरस का सही संतुलन बना रहता है। इसमें से आप कोई भी कर लीजिए, इतने सारे मार्शल आर्ट हैं जो आपको आसानी से जो आपके घर के आसपास अवेलेबल हो उसे करें। मार्शल आर्ट सबसे ज़रूरी लड़कियों के लिए होता है, इसे सीखने से वो आने वाले खतरे से बच सकती है। तो माताओं और बहनों को मेरा ये अनुरोध है कि आप जो है अपनी सुरक्षा अपने हाथ में रखें और मार्शल आर्ट सीखें, बहुत ही अच्छी है। इससे शरीर जो है, इसमें शरीर को बहुत सारे फायदे हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सुरक्षात्मक रूप से। तो ये जो है आप ज़रूर मार्शल आर्ट जो है, अगर आपके बच्चे, आप बच्चे हैं छोटे हैं तो मम्मी पापा से बोल सकते हैं, और अगर वो यंग हैं तो आप खुद जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपके लिए हर तरह से फ़ायदेमंद है। तो ज़रूर आप मार्शल आर्ट सीखिए, बहुत सारे कॉम्पिटिशन होते हैं उसमें हिस्सा लीजिए, नौकरी मिल जाएगी, बहुत सारी चीज़ें, बहुत फ़ायदेमंद चीज़ें दोस्तों। और लोगों को सिखाइए, सीखने के बाद तो कितना आप कितना जो है सबके लिए जो है समाज के लिए सब कुछ कर सकते हैं। मार्शल आर्ट सीखिए, स्वस्थ रहिए। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।